Good morning, dear students. This is your evening speed here, and we are learning about and go to lesson 30. कल हमने पढ़ा था air क्यों जरूरी है, और हमने air का experiment भी किया था. And uses of water also we have learned that uses of water is in cooking, bathing, putting out fire and cleaning. Today we will learn about from where do we get हमें पानी कहाँ से मिलता है? From where do we get water? क्या बता सकते हैं हमें पानी कहाँ से मिलता है? बताइए. रेन से मिलता है, वेल और हैंडपंप. देखा है आपने पानी हमें कहाँ से? पॉन्ड, लेक, रिवर, बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ हम पानी को स्टोर करके रखते हैं और वहां से हम पानी लेकर के यूज करते हैं. तभी हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर. अपन योर बुक पेज नंबर 96 वहां से पढ़ेंगे हम. We get water from ponds, rivers, wells, lakes, etc. हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? पॉन्ड से मिलता है, रिवर से मिलता है, वेल से मिलता है और लेक से मिलता है. पॉन्ड मतलब क्या होता है? तालाब. रिवर होती है नदी. और वेल्स होते हैं कुएं. और लेक्स होती है झीले, बड़ी बड़ी पानी की झीले. All this water comes from rain and snow on mountains. इन सब में पानी कहाँ से आता है? इन सब में पानी रेन से आता है और माउंटेन्स पर जो स्नो है, बर्फ जमी हुई है, जब वो मेल्ट होती है तो मेल्ट होकर उसका पानी धीरे धीरे बह करके नदी और तालाब और हमारे झीलों में इकट्ठा. हमें तो पानी पॉन्ड से, लेक से, वेल से और रिवर से मिलता है, लेकिन उसमें पानी कहाँ से आता है? उसमें आता है रेन से. और फिर उस पानी को हम कलेक्ट रखते हैं. ठीक है, नाउ पेज नंबर. वाटर इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड ऑल्सो. हमारी ग्राउंड के नीचे भी पानी है, इस लैंड के नीचे भी पानी है. वी गेट दिस वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंडपंप्स. ये पानी भी कैसे मिलता है? जब हम हैंडपंप चलाते हैं तो जमीन से पानी ऊपर आ जाता है, या कुएं में जब बाल्टी डालकर से पानी खींचते हैं वो पानी कुएं में भी जमीन से आता है. ये देखो कुआ ऐसा आता है, आपने देखा नहीं होगा. ये कुआ है जो गांवों में होता है अधिकतर. हैंडपंप तो आपने देखा होगा, यहाँ पे भी लगे होते हैं. एंड दिस इज अ नल. ये तो सब जानते हैं घर में ही सब. और ये आपने देखा है पॉन्ड, लेक, रिवर के अंदर पानी बहता रहता है. पॉन्ड में पानी कलेक्ट रहता है और लेक थोड़ी सी बड़ी होती है, उसमें बहुत ज्यादा बड़ी इसलिए ज्यादा पानी होता है. समझ में आ गया आपको? वाटर इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड ऑल्सो. वी गेट दिस वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंडपंप्स. वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स इन आवर होम्स फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेस. अब जैसे नल का कनेक्शन कहाँ है? नल का कनेक्शन किसी का ट्यूबवेल से है, किसी का वेल से कर रखा है, किसी का पानी की बड़ी बड़ी टंकियां होती है उससे नल का कनेक्शन होता है, उससे हमारे घरों में. सो टू लीव अ हेल्दी लाइफ वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन. अगर हमें हेल्दी लाइफ जीनी है तो हमें अपने चारों तरफ का वातावरण क्लीन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो उससे जो हमें पानी मिलेगा वो भी गंदा हो सकता है और वही गंदा पानी भी हमें पीना पड़ेगा. तो हमें अपनी पूरी सराउंडिंग्स को क्लीन रखनी है ताकि हमें पीने के लिए क्लीन वाटर मिले. इट वुड ऑल्सो हेल्प टू कीप वाटर एंड एयर अराउंड अस क्लीन. इट वुड ऑल्सो हेल्प टू कीप वाटर एंड एयर अराउंड अस क्लीन. अगर हम चारों तरफ सफाई रखेंगे तो हमारे चारों तरफ का पानी और हवा भी साफ सुथरी रहेगी. अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो आप देखते ना बैड स्मेल आती है कभी कभी. क्यों? क्योंकि गंदगी रखी होती है तो उसकी बैड स्मेल आती है.
और उससे हमारा पानी भी गंदा हो जाता है, कोई गंदगी पानी में डाल देता है तो पानी भी गंदा हो जाता है। अब हम आज एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, 3 कैंडल्स जलाई, फिर एक को हमने ओपन छोड़ दिया, एक पर हमने छोटी ग्लास लगाई, एक पर हमने बड़ा टम्बलर लगाया। आज हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। अब क्या क्या करेंगे? यू नीड अ ड्रिंकिंग ग्लास और यू नीड अ ड्रिंकिंग ग्लास अ लार्ज बकेट। आपको क्या लेना है? खाली एक ग्लास लेनी है और एक बकेट। सबके घर में है। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? लेट अस डू सम मैजिक ट्रिक्स विद एयर एंड वाटर। हम मैजिक ट्रिक्स कर रहे हैं इसके साथ, एयर और वाटर के साथ। आप एक ग्लास लेंगे और एक बकेट लेंगे, ठीक है, और ड्राई पेपर नैपकिन एंड वाटर। फोर थिंग्स हमें लेनी है। क्या लेना है? ग्लास, बकेट, ड्राई पेपर नैपकिन एंड वाटर। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 4। एक गिलास ले लेना, ग्लास पानी पीने की, एक बकेट, एक ड्राई पेपर नैपकिन सूखा पेपर नैपकिन, और एक ले रहे हैं आपको वाटर। फोर थिंग्स हम इस एक्टिविटी को करने के लिए लेंगे और हम देखेंगे कुछ मैजिक ट्रिक्स। वाटर और एयर के साथ कुछ मैजिक ट्रिक्स देखेंगे। यू हैव टू टेक 4 things, अ ग्लास, अ बकेट, अ ड्राई पेपर एंड सम वाटर। फिल द बकेट हाफ विद वाटर। अब आप क्या करोगे? बकेट को हाफ पानी से भर दोगे। कितना भर दोगे? हाफ। सबसे पहले फिल द बकेट हाफ विद वाटर। सेकेंड, tell your friend that you can put the napkin under water without getting it wet. अब आप क्या जादू दिखा रहे हैं कि आप उस बकेट में एक पेपर नैपकिन डालेंगे लेकिन फिर भी वह गीला नहीं होगा। हमें क्या जादू दिखाना है? हमने जो पेपर नैपकिन लिया है वो सब पानी में डालेंगे तो भी गीला नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कोई चीज़ अपन पानी में डालते हैं गीली होती है ना, पेपर भी गीला होगा, लेकिन इसमें पेपर गीला नहीं होगा, बिल्कुल जैसा ड्राई है वैसे ही रहेगा। कैसे? स्टक द नैपकिन इनटू द बॉटम ऑफ ग्लास सो दैट इट डज नॉट फॉल। क्या करोगे? पेपर नैपकिन को ग्लास में फंसा लोगे। ये आपकी छोटी सी ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर हम इस पेपर नैपकिन को ऐसे फंसा देंगे ताकि निकले नहीं, फंसा देंगे इसे पेपर नैपकिन को, अच्छे से फंसा देंगे। पुश द ग्लास अपसाइड डाउन इन बकेट विदाउट पिकलिंग इट इनटू वाटर। अब इस ग्लास को क्या किया हमने? बिना हिलाए सीधा ले जाकर इस पानी में डाल दिया। हिलाना नहीं, पिकलिंग मतलब हिलाना नहीं है। सबसे पहले हमने बकेट में पानी लिया, आधा इसको भर दिया, फिर हमने ग्लास में पेपर नैपकिन को फंसा दिया और उल्टा की तरफ एकदम गिरना नहीं चाहिए। अब हम इस ग्लास को लाकर इसमें क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। पेपर नैपकिन इसके अंदर है, ये ग्लास हमने लाकर के इसके अंदर पानी में ऐसे उल्टा कर दिया। टेक इट आउट स्लोली एंड सी द नैपकिन इट इज ड्राई। अब इस ग्लास को वापस बाहर निकालेंगे तो हम देखते हैं कि पेपर नैपकिन बिल्कुल सूखा हुआ है, बिल्कुल भी गीला नहीं। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो घर पे करना। एक बकेट लेना, उसमें आधा पानी भर देना, फिर एक ग्लास लाना, ग्लास में आप पेपर डाल देना, पेपर फंसा दिया, अब उस ग्लास को सीधा का सीधा ले जाकर ऐसे ले जाना, एकदम उल्टा कर देना, हिलाना नहीं, एकदम ऐसे ले जाकर पानी भर देना, फिर थोड़ी देर बाद उसे बाहर निकालना तो आप देखोगे कि पेपर इज ड्राई, इट इज नॉट वेट। गीला हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ बताओ? व्हाट इज द रीजन कि ये पेपर गीला नहीं हुआ? वाटर कुड नॉट एंटर द ग्लास एज इट वाज फिल्ड विद एयर। क्यों नहीं गीला हुआ? क्योंकि इस ग्लास के अंदर यहाँ एयर भरी हुई थी, यहाँ एयर थी, इसलिए पानी से तो जा ही नहीं पाया। जब हमारे
पास कोई चीज है, सपोज जैसे मैं बताऊं आपको, मेरे पास एक ड्रमस्टिक है ना, जैसे मेरे पास एक ड्रमस्टिक है, अगर ये ड्रमस्टिक फुल भरी हुई है यहाँ तक, अगर उसमें और कोई चीज डालनी जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि तो पहले ही फुल भरी हुई है, कैसे जा सकती है। तो उसमें क्या हुआ कि एयर भरी हुई थी, ग्लास के अंदर वो पेपर था और जो खाली बचा हुआ हिस्सा था उसमें एयर भरी थी। जैसे ही हमने ग्लास को बकेट में उल्टा किया तो अंदर एयर जो भरी हुई थी उसने पानी को अंदर जाने ही नहीं दिया, उसने पानी को बाहर ही रोक लिया। उसके अंदर हवा भरी हुई थी तो पानी अंदर जा ही नहीं पाया और हमारी पेपर नैपकिन सूखा ही रह गया। वाटर कुड नॉट एंटर द ग्लास एज इट वाज फिल्ड विद एयर, पानी ग्लास के अंदर नहीं गया क्योंकि इसमें एयर भरी हुई थी। नाउ इफ यू टिल्ट द ग्लास लाइटली यू विल सी एयर बबल्स राइजिंग अप इन द वाटर। अगर आप ग्लास थोड़ा सा स्लाइटली इसको तिरछा कर लोगे, थोड़ा सा इसको हिलाओगे तो इसमें से एयर बबल्स निकलेंगे। देखा आप लोगों ने, तो एयर बबल्स कौन से, ग्लास में की एयर बाहर आ रही है और पानी अंदर जा रहा है, तो नैपकिन हिलाओ। अगर हम ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं स्लाइटली, अगर हमने इस ग्लास को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा किया कि ग्लास थी, तो इधर से बबल्स निकलने लग गए पानी के और हवा अंदर जाने लग गई, एयर बबल्स बाहर आ गए तो हवा जब बाहर निकल जाए तो अंदर पानी जाएगा। जब हमने ग्लास थोड़ा सा टेढ़ा किया और उसके अंदर पेपर तो था ही हमारे पास, जब हम ग्लास को थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करेंगे तो इसमें से बबल्स निकलेंगे, मतलब एयर बाहर आ गई तो ये वाटर अंदर चला जाएगा। एयर बाहर आएगी तो वाटर अंदर चला जाएगा, हवा बाहर आ गई पानी अंदर चला गया। वाटर कैन नाउ एंटर द ग्लास एज एयर कम आउट फॉर मी, जैसे ही हवा बाहर आएगी एयर उसके अंदर चली जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर किसी चीज में कोई चीज भरी हुई है तो हम दूसरी चीज उसके अंदर नहीं डाल सकते, और हवा एयर में दिखाई नहीं देती है लेकिन एयर इज एवरीवेयर, हवा तो सब जगह है। यही रहा कि हमने एक बकेट की उसमें आधा पानी भरा, एक ग्लास लिया उसमें पेपर लगाया और उस ग्लास को सीधे सीधे जाके एकदम ऐसे उल्टा कर दिया बिना हिलाए, तो इसके अंदर एयर भरी हुई थी तो पानी अंदर नहीं जा पाया। लेकिन हमने हल्का से ऐसे टेढ़ा किया, टेढ़ा करते ही एयर बाहर निकली बबल्स के फॉर्म में, और जब एयर आउट हुई तो वाटर इन हो गया, पानी अंदर चला गया और हमारा पेपर नैपकिन गीला हो गया। तो आप अपने फ्रेंड्स को ये जादू बता सकते हो, देखो मैं पानी के अंदर पेपर डाल रहा हूँ और अंदर मैंने पूरा सिंक कर दिया, डुबा दिया तो भी गीला नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा लेना पड़ेगा, टेढ़ा नहीं करना। जैसे आप उसको स्लाइटली टिल्ट करोगे उसमें पानी घुस जाएगा, हवा बाहर आ जाएगी, आप एकदम सीधा ले जाना पेपर को, जाएगी सीधा ऐसे बकेट में डाल देना और अब कुछ बहुत देर तक रखोगे तो भी वो गीला नहीं होगा। ये अपने फ्रेंड्स को एक्टिविटी करके दिखाना कि यू नीड अ ड्रिंकिंग, और क्या करना है सीधा, सम मैजिक ट्रिक्स विद एयर एंड वाटर, दिस इज अ मैजिक ट्रिक विद एयर एंड वाटर, कि जब किसी चीज में एयर होती है तो उसमें दूसरी चीज नहीं जा सकती, तब हमें महसूस होता है कि हाँ एयर भी है, अदरवाइज वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन नॉट टच एयर, ओनली वी कैन फील एयर। सो दिस इज अ एक्टिविटी विच इज जॉइंट मैजिक ट्रिक विद एयर एंड वाटर। यू कैन ऑल्सो डू एट होम, टेक अ ग्लास बकेट ड्राई पेपर नैपकिन एंड वाटर एंड डू दिस थिंग and you slide this glass and again see what is happening, first go straight then move a slight tilt, then you will see air is passing out and water is getting in. Okay, do this activity and read your lesson carefully. From where do we get water, from where do we get water, pond, river, lake, wells, hand pump, taps,
और उनमें से उनमें सब में पानी कहाँ से आता है? एयर से आता है। और हमारे ग्राउंड के अंदर भी पानी है। कहाँ है? ग्राउंड के नीचे भी हमारा बहुत सारा पानी होता है, जो क्या करते हैं हम, हैंडपम्प से और कुएं से बाहर निकालते हैं। ग्राउंड वाटर भी होता है और कुछ वाटर रेन से आता है, कुछ हमारे माउंटेन्स पर स्नो जमी हुई है, वो स्नो धीरे धीरे मेल्ट होती है और मेल्ट होकर के वो पानी नदियों में और झरनों में मिल जाता है। ठीक है, आज आप एक्टिविटी करना, लेसन करना।